तभी मैं सोचूं देविका के पैसे कहाँ गए 186 करोड़। ओहो भाई कहाँ भरवाएगा। तो कैसे हो मेरे YouTube के चाहने वालों। तो भाई आपको भाई आ चुका है एक और नए व्लॉग के साथ, और हमारे साथ देख सकते हो कालू भाई है। कालू भाई कैसे हो? ठीक हो कालू भाई? बोलते मेरे को व्लॉग मत डालो क्योंकि भाई वो बोले मैं स्मार्ट नहीं लग रहा हूँ। मैं जब कोई बंदा स्मार्ट है ही नहीं है तो वो स्मार्ट कैसे लगेगा। भाई अभी का सीन ऐसा कि भाई आपका भाई जा रहा है जम्मू में, जम्मू तो जाता है भाई हर बार, लेकिन इस बार कुछ स्पेशल है, कुछ स्पेशल ओकेजन है, कुछ स्पेशल चीज है, कुछ स्पेशल बंदा आ रहा है भाई। मोदी जी आ रहे हैं। और गाइस आज मोदी जी आ रहे हैं ना, तो भाई एक बस तक नहीं चल रही है, एक बस नहीं चल रही है जम्मू की यार। पापा गाड़ी लेकर चले गए तो मेरे को भाई संघर्ष करना पड़ता है। मतलब मैं स्कूटी में निकल गया था भाई, इतने में हमारे कालू भाई दिखे। कालू भाई ने हमें लिफ्ट दे दी। कालू भाई कॉलेज में जा रहे हैं, मेरे को आगे तक टिकरी तक उतारेंगे, उसके बाद आगे मैं देखता हूँ जुगाड़ में लगाता हूँ, लिफ्ट लुफ्ट लेकर चला जाऊंगा भाई। क्योंकि शहर बिच निगर ने रहा कौन मिलिया सानू भोला भैया, उन्हें वीडियो सीधी मोदी को लगे साड़ा आले सब लइया मजा की जाए। साड़े सरपंच प्रिंसिपल और ने ये चोपड़ा शहर के सरपंच ने फ्रूटी पिलाओ यार। भैया एक बात सुनानी, मैंने आपसे बात पूछनी थी। क्या आपको पता है इलेक्शन आने वाली है? इसका मतलब जब इलेक्शन आएगी तब भी बीजेपी वाले लोगों को फ्रूटियां बनाएंगे, बीजेपी वाले लोगों को फ्रूटियां बनाएंगे। चोरी के पीछे क्या बंद कर, क्या काट डालूंगा। कट कर देना प्लीज इसे भाई। आपको जींस वाले और कुछ बुलाते होंगे, हम तो ये वाली फ्रूटी बुलाते हैं, ये वाली प्यार वाली फ्रूटी, मोदी जी की फ्रूटी, भारत माता की जय। भैया आपसे, आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं? हां हां पूछो भैया। वन वर्ड फॉर मोदी जी। एक शब्द में नहीं डिफाइन हो सकता क्योंकि एक टैलेंटेड मल्टी टैलेंटेड बंदा जो मुल्क को अलग ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं और हर किस्म में, वो एक शब्द में टैलेंट। अच्छा वन वर्ड फॉर राहुल गांधी। मैं तो कह सकता हूँ सब कहते हैं जो मेरे मुंह से मत उखवावा, मेरे मुंह से मत उखवावा। गुलाम नबी आजाद जी। He's a statesman. Statesman. He's a statesman. अच्छा वन वर्ड फॉर चौधरी लाल सिंह जी। दिलों की धड़कन। अच्छा वन वर्ड फॉर अरविंद राणा जी। जिंदाबाद। वन वर्ड फॉर बलवंत सिंह मनकोटिया जी। आई लव यू बलवंत सिंह मनकोटिया जी। हम आपसे प्यार करते हैं, उदयपुर में रहते हैं। yes. और गाइस आपको मैं बताने जाता हूँ मोदी जी की, आप डाल देख रहे हो, कहर देख रहे हो आप, लहर नहीं कहर है भैया, डर है, डर है, खोफ है। मतलब यार टोल प्लाजा हर एक का टोल प्लाजा फ्री है आज, मुफ्त ऑल ओवर जम्मू मुफ्त टोल प्लाजा। सब जम्मू चलो, हाँ सब जम्मू चलो, आए हाय टोल प्लाजा फ्री है सब जम्मू चलो। आज मोदी जी की डाल ली है, मोदी जी ने आज पॉलिटिकल स्टंट करना है, कोई ना कोई शोशा देना या कोई चीज ऐसी कर देंगे कि भाई जम्मू वाले बोले पैसे देना वोट मोदी है। मोदी जी के कोई भी फैसले मैक्सिमम रात को 12 बजे होते हैं, वोट बंदू रात को 12 बजे होते हैं। आज पता नहीं क्या ऐलान कर देंगे तो हमारे लिए सरप्राइज होगा जम्मू वालों के लिए, इसलिए हम जा रहे हैं दौड़ के। ना ना मेकी गाइस कुछ भी हो सकता है भाई, मोदी जी का मैं भरोसा नहीं कर सकता मोदी जी के ऊपर। क्या बोला बोलने का वो करो, मोदी जी सरदार है ना, 12 बजे सारा डिसीजन लगाते हैं ना। क्या क्या क्या? मैं मोदी जी सरदार है। हां जी सिख है वो। हां क्योंकि सरदारों के 12 बजते हैं, 12 बजे डिसीजन होते हैं सारे। 12 क्या मतलब? ये 12 बजे की ये है, मुगलों के टाइम में, मुगलों के टाइम में जब 12 बजे भोजे रोटी खाती थी तो थोड़ी सुस्त हो जाती थी, मुगल सुस्त हो जाती। हां तो हमारी जो सिख फौजें होती थी वो उस वक्त हमला करती थी। हाँ। तो ये कहते थे सिखों के 12 बजेंगे, वो मुगल कहते थे। हाँ। तो सिखों के 12 बजने वाले हैं। हाँ। और हम पे अटैक होने वाला। अच्छा वो मगर मुगल डरते थे ना, जो बोले सो निहाल। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अंकल है ना, ये मोदी जी के मेरे को कट्टर फैन लग रहे हैं। कट्टर फैन हुआ? बिल्कुल बिल्कुल कट्टर फैन है। मैंने सुना हुआ है मोदी जी आज कोई
12 14 एक करोड़ के की ड्रेस पहन के है। ओ भाई वो प्रधानमंत्री है, करोड़ की पहने, एक रुपए की पहने, तभी पहन सकते हैं। तभी मैं सोचूं देविका के पैसे कहाँ गए। 180 करोड़ लेकिन किसी के घर में शादी है, वो एक महीना पहले कपड़े खरीदता है, वो किस लिए खरीदता है? अच्छा दिखे। अब मोदी जी जाके बाइडन को मिलेंगे तो वो जाके फटे हुए कपड़े डाल के थोड़ा मिलेंगे, रिप्रेजेंट करना है। ये भी बात है, लेकिन भाई मेरी, मगर मोदी जी ने कौन सी शादी करनी है? सुनो ना, अब मैं तैयार होकर जाता हूँ। मैंने भाई लड़कियाँ देखनी होती है। लोग कहते हैं 12 लाख की ड्रेस है, लोग कहते हैं 15 लाख की ड्रेस है, वेरीफाई किसी ने नहीं किया कितने लाख की वो ड्रेस है। ड्रेस के अंदर वाला आदमी देखना चाहिए कि उसमें कितनी पावर। सही बात है। अजी मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी 12-12 एक एक करोड़ की ड्रेस कौन से पहनते हैं? आपको इटली की प्राइम मिनिस्टर पता है मेलोनी, क्या नाम है उसका? बस उसको इम्प्रेस करना आता है मोदी जी ने। देखो इम्प्रेस उन्होंने करना हो तो फिर पीटीएम में कम है गया। अभी हुई है उनकी शादी, हुई है शादी, हुई है। मोदी जी आपको बिग सैल्यूट है यार, वाकई है यार, मतलब आप आदर्शवादी बंदे हो यार। देश के लिए कर रहे हैं, बाकी बात है भाई, कोई बात है। अगर देखो मैं आपको बता देता हूँ, मोदी जी अगर आपको इटली से हमें फायदा होता है तो आप मलोनी केयर लो, कोई चक्कर नहीं है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। सो गाइस फाइनली आपका भाई पहुंच चुका है जम्मू में। सकते हैं जाम किस हिसाब से लगा हुआ है, मोदी जी को मिलने के लिए लोग भारी संख्या में है, कोट पैंट पहन के भाई मोदी जी से मिलने आए हो? जी जी, पैंट कोट पहन के। जी भाई वाकई है, आप मोदी जी से मिलने जा रहे हो, बब्बा बराती जा रहे हो? अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा, मोदी जी से मिलने। अच्छा मेरे को लगा बब्बे की बराती जा रहे हो। ठीक है गाइस चलो चलते हैं, मोदी जी से मिलेंगे, धमाका करेंगे। आप भी जा रहे हो? शाबाश शाबाश, लेट्स गो। ओ हो हो, कश्मीर से कश्मीर से हो? मोदी जी से मिलने जा रहे हो? कितने खुश हो आप? कितनी खुशी है? कितनी खुशी है मोदी जी से मिलने जा रहे हो? क्या मोदी जी के लिए कुछ बोलो, क्या बोलना चाहते हैं मोदी जी के लिए आप? क्या कश्मीर वालों के लिए मोदी जी कुछ कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बताइए क्या कर रहे हैं मोदी जी? अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए कश्मीर वाले भी मोदी जी से खुश हो चुके हैं। आनी दिया मजाक है। मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, मोदी जी साहब जिंदाबाद। और जी देखिए, अंकल जी देखिए, चाचा जी, क्या लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, ऐसा लग रहा है देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, नरेंद्र मोदी साहब आ रहा है। सच में आ रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री आ रहे हैं क्या? आप मिलना चाहते हो मोदी जी से? आप अगर आपको मोदी जी मिलते हैं तो आप मोदी जी को क्या बोलोगे? मोदी जी क्या होना चाहिए देश में, क्या चेंज होनी चाहिए? क्या चेंज होनी चाहिए? कोई एक चीज बोलो ना, कोई अच्छा स्टार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा स्टार। आप होश ही नहीं है, बोलो कुछ। अच्छा काम होना चाहिए। क्या काम होना चाहिए एक चीज बोलो ना। दुनिया को नौकरी मिलनी चाहिए, अच्छे लोगों को करना चाहिए सब। पाकिस्तान का कैसा लगना चाहिए? क्या हमारा, हमने क्या कर? नहीं नहीं, पाकिस्तान का कैसा होना चाहिए? आपको नहीं पता पाकिस्तान का कैसा होना चाहिए? हमारा भारत अच्छा होना चाहिए। भारत अच्छा होना चाहिए। पाकिस्तान का कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? कल तो पाकिस्तान का कैसा होना चाहिए? क्या बोला जाते हैं आप, बोलिए। हमें क्या करना, बताओ ना पाकिस्तान का कैसा होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। मोदी आप लगाएं कैसा टू एवरीवन, पाकिस्तान का कैसा लगिंग। गाइस मैं आपको बताने जाता हूँ, जो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे मोदी उसका भी कैसा लगाएगा, और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं मोदी उसका भी कैसा लगाएगा। ठीक है तो बोलिए पाकिस्तान कैसा लग जाएंगे? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो पाकिस्तान, बोलो पाकिस्तान कैसा लग जाएंगे? कैसा लग जाएंगे? हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।
आंटी जी मोदी को मिलने जा रहे हो? हाँ जी। कितनी खुशी है मोदी जी से मिलने की? बहुत ज्यादा खुशी है। कितनी? सबसे ज्यादा। सच में आंटी बोरिया मेरे को इतनी खुशी है, इतनी खुशी मुझे अपनी शादी में भी नहीं हुई थी। पांचों टिकरी के। आपको अपनी शादी में ज्यादा खुशी हुई थी? आज खुशी ज्यादा हो रही है। आज ज्यादा खुशी हो रही है। शादी से ज्यादा? अपने मराज से ज्यादा आपको मोदी जी से मिलने की खुशी है? वाकई है यार, मोदी जी ने पूरी दुनिया का दीवाना बना दिया। गाइस बोलने की कला तो है, एट अ टाइम कंटेंट, कोई फेकनेस नहीं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं, जो मुंह में आता बोल देते हैं। डरते हैं किसी से? पाजी मेरे को बताओ। हाँ जी। देश का प्रधानमंत्री आ रहा है। हाँ जी। लेकिन हम आम लोगों को कैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। कोई सवारी नहीं, जाम है, हद हो गई यार। मतलब एक हम लोग इतने बड़े बड़े लीडर बनाते हैं, हम लोग प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम लोग चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, हम लोग MP बनाते हैं, हम लोग MLA बनाते हैं, और हम जो हम लोगों को ही कैसा लगता है? कैंटा हो गया जाम लगे हुए। मतलब हम इनको वोट दे, हम इनको वोट दे, सपोर्ट करें, और एंड में हमारा कैसा? सही बात है चू, आम आदमी करे तो करे क्या भाई, क्या करे आम आदमी भाई। गाइस कैमरा ऑफ किया था, जस्ट ऑन कर रहा हूँ। बाकी एक चीज़ बोल देता हूँ, मोदी जी सॉरी यार, अगर आप मरवाना नहीं मुझे यार, ये नहीं हो मेरे घर में पोल्स आ जाएगा, मेरा कैसा लग गया, सॉरी सॉरी, दिल की भावना ही बोली है बस, सॉरी सॉरी, कान मार के सॉरी। ओ ब्रावा, पूरा जम्मू का हालात चेंज हो गया आज। अंदर नहीं जाने दे रहा, बोला कैपेसिटी फुल हो चुकी है, सारे बंदे मेरे को रोकते हैं यार, क्या करूं। हां जी भैया, देखो गाइस मोदी जी से मिलने के लिए, कम से कम उनसे मिलने की था हमने, देख ले, क्योंकि क्योंकि इतनी बड़ी महान हस्ती, घर का काम छोड़ के, हर चीज छोड़ के तो हम यहाँ आए, हम रास्ता यहाँ से अंदर जाने नहीं दे रहे। इतनी बड़ी महान हस्ती है, सही बात है, सारे लोग दर्शन करना चाहते हैं उनके, ठीक है, ये चीज गलत है भाई। मैं बोल रहा कोई भी बंदा देख रहा भाई, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। अंदर नहीं आ सकते कोई आखर देना कि मोदी साहब का भरोइए अपना हाल भरोइए लोग मोदी साहब की तो तुपदे तुपदे दूर दूर आए दिन ते सवेरे 8 बजे का 7 बजे का लोगों हाल भरी अड़े का लोग नाराज हो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं गलत हो रहा है। हमने अगली बार लोग मोदी साहब के कन्ने इन्ना प्यार करते हैं, इन्ना प्यार करते हैं कि मोदी साहब ने सवेरे 11 बजे आना हाँ ते लोगों 8 बजे का गए पूरा पूरा MM स्टेडियम पूरा भरी अड़े का, ठीक है ना। ये देखो सारे लोग बाहर बलगार देना, सारे इंतजार करा दे हे, पर 8 बजे का हाल भरी लोग सवेरे 5 बजे दे, सवेरे 5 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे अपनी कुर्सियां मल ले दियां हाल के अंदर, हूँ आखिर पैर रखने की जगह नहीं है, तो उन्हें आख्या महाराज हाथ जोड़िए, पहली बार ऐसा नेता दिखा कि जुदे ताई ते लोग अंदर दे अंदर बाहर भी इन्ना भरी रहा कि इतने पैर रखने की जगह नहीं। जय श्री राम। डेवलपमेंट हुई, देखिए डेवलपमेंट के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे क्या मिला आपको बताइए? रोड मिली है, रिंग रोड मिला, एक्सप्रेस मिला, इंटरस्टेट बस अड्डा मिला है, IIT मिला है, IIM मिला है, अच्छा हर एक सुविधा मिली है। अच्छा और क्या मिली आपके आपके हिसाब से? जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है? बन रहा है। कितना बन रहा है देखिए आप, इधर नजर मारिए, देखिए रंगा झंडा लगा है, लाइटें ही लाइटें, स्मार्ट सिटी बन रही है। मोदी जी बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, देश बचाओ, इतनी स्मार्ट सिटी बन गई है, दिन दिन का उजाला चल रहा है और लाइटें ऑन है, वाह मोदी जी वाह, वाह यार हमारा जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है, चेक करें आप दिखाना चाहते हैं, देखिए स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी चेक करें आप गाइस, वाकई तालियां बजनी चाहिए। हां जी ताली, तालियां मारो, मोदी जी को छाता बना दिया इन्होंने। और भैया कैसे? बिग फैन ब्रो, भाई खुश हो आप मोदी।
भाई भैया बस आगे नहीं बुलाया वैसे तो खुशी है। इस बार आपको क्या लगता है मोदी जी को आप वोट देने वाले हैं? यार भैया हमारी खुद नहीं बनी हुई है। क्या नहीं बनी है? क्या नहीं बनी है? आज कितने साल के हो आप? भैया मैं हूँ साल का। जाओ जाओ यू कैन गो फ्रॉम हियर। हमारी बाकी गाइस ये जो आपको शख्स दिख रहे हैं ये और किसी ने पता नहीं हमारे देश हमारे जम्मू कश्मीर का विकास किया नहीं किया लेकिन इन्होंने किया भाई, इन्होंने ही किया भाई विकास हमारे जम्मू का। जय डुगर जय डोगरी। चाचा क्या बोल रहे हो आप? हम क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीमें बनाई बहुत अच्छी स्कीमें हैं, बहुत अच्छी स्कीमें हैं। किसानों तक पहुंची है हर चीज पहुंची है, 6,000 वो भी किसानों के लिए पहुंचा है। देख रहे हैं प्रधानमंत्री से अपील करते हैं हम जिम्मेदार, हमारे बच्चे खेती बाड़ी में नहीं काम कर रहे हैं, ये जो बंदर हो गए ना इतने फसल अनाज नहीं होगा हम खाएंगे क्या? हनुमान जी, हनुमान जी की सेना है बंदर, ठीक है? तो मोदी जी हनुमान जी और राम जी के बड़े बड़े फैन है, तो मैं बोलना चाहता हूँ मोदी जी को बंदरों को भेज दो पाकिस्तान में, बंदर टुच लगा देंगे पाकिस्तान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गाइस इनको बड़ा धोखा हो रहा है, बड़ा धोखा है भाई, भैया रोक दो, वीडियो वायरल हो जाएगी। आप मोदी सिफारिश कराई हुई है सीधे, मैंने अंबानी जी को फोन किया था तो अंबानी जी बोल रहे हैं कि आपको मतलब हम घुसवा देंगे, मतलब मोदी जी से मिलवा नहीं पाएंगे लेकिन आप मोदी, हाँ मतलब और कोई नहीं देख पाएगा जम्मू में, सिर्फ आप देख पाओगे क्योंकि आपको स्पेशल परमिशन में मैं जा रहा हूँ, मतलब कि समझ रहे हो आप भाई, मोदी जी हाईवे में से जा रहे होंगे और बाहर निकले होंगे ऐसे ऐसे हाथ लाएंगे मेरे लिए, तो मैं जा रहा हूँ कल्ला और मैं इनको भी ले जाऊँगा 2-3 स्पेशल आरुओं को। जय श्री राम, जय श्री राम। फॉलो करो राहुल खत्री जी भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल है भाई, जब हम इतने देते थे हमें पानी छूटा नहीं आता तब ये वीडियोस बना, हम नेक्स्ट लेवल और ये प्रो लेवल है। ओके भाई जी क्या अच्छी नहीं करने रहा। ठीक भैया बताओ, बढ़िया ठीक अंकल, आप सुनो आप बताओ क्या चल रहा, मिला है बताया।